मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके ऊपर हुटिंग करते हैं, आपके लिए गलत बोलते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं। ये 84-85 मॉडल गाड़ी 2025 के बाद हमारा परमिट फिटनेस कैंसिल है, खत्म। उस वक्त 2 रुपए था, आज 70 रुपए। खुली हवा, खुली फिजा। ये एक समझ ले कि हमारी बचपन की यादें। चलाएंगे कौन चलाएगा, वो चाइना से तो ड्राइवर नहीं बुलाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हम लोग आज मौजूद हैं ये गवर्नमेंट की बड़ी बसों के अंदर। आज हम आपको दिखाएंगे इस बस में ट्रैवल कैसे होता है, क्या लोगों का एक्सपीरियंस होता है, कितना किराया है, ये बस जाती का है और कितनी पुरानी ये बस है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको आज इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो चल के वीडियो स्टार्ट करते हैं, तो फिर आओ मेरे साथ। भाई, ये हमारे बस के जो कंडक्टर हैं, कैसे हो? ठीक हो? शुक्र है अल्लाह। ये बस कहाँ से कहाँ तक जाती है? ये टावर से जाती है सुराबगढ़। कितना किराया? इसका 80 रुपए। 80 रुपए? तुम कब से काम कर रहे हो? जी सर। तुम कब से काम कर रहे हो? तकरीबन 12 साल हो गए। 12 साल? 12 साल पहले कितना किराया था? 12 साल पहले तो 15-18-12 रुपए किराया था। ये गवर्नमेंट की बसें हैं? गवर्नमेंट की है? ये गवर्नमेंट की नहीं, पब्लिक आवाम की है। प्राइवेट है? हाँ प्राइवेट है। ये क्या, किस रूट, क्या है बस का रूट, क्या है नंबर, क्या? 4L है। 4L? जी सर। और ये कहाँ तक जाएगी? ये पंजाब अड्डे तक जाएगी, सुराबगढ़ पंजाब अड्डा। सुराबगढ़ तक जाएगी? जी जी सर। ये 80 टावर से लेके वहाँ तक 80 रुपए किराया? 80 रुपए किराया। और अगर बीच में को उतरता है तो? बीच में उतरता है 70 रुपए, 60 रुपए, 50 रुपए। कम अज कम किराया कितना है? कम अज कम हमारा है 30 रुपए। 30 रुपए? वो कहाँ से कहाँ तक? वो यहाँ से मिसाल चढ़ जाते हैं टीनेडी, उतरते 30 रुपए। ये इतनी कितनी पुरानी बस होगी? ये 84-85 मॉडल गाड़ी है। 84 मॉडल? जी जी। अच्छा, इस ये बस इतनी पुरानी है, लोगों को, लोग इसमें क्यों बैठते हैं? मतलब बसें तो दूसरी भी आ गई, इसमें बैठने की क्या वजह है? जी बस इसको बस और है नहीं, गाड़ियाँ कम है, बाकी गाड़ियाँ ज्यादा होती चल जाते पैसेंजर। अभी दूसरे गाड़ी है, वो 1 घंटे में गाड़ी आता है, ये 10 मिनट के बाद गाड़ी मिलता है, पब्लिक इसलिए चढ़ती है। अच्छा, किराया कम है इसका? किराया भी कम है और इनका टाइम भी कम है, जल्दी निकलता है। जल्दी निकलता है? जी जी सर। और लोगों को कोई इसमें बैठ के कोई परेशानी, झगड़े होते हैं? यहाँ बहुत होते हैं। बहुत होते हैं? किस चीज से झगड़े, किस चीज पे होते हैं? इसी पे होते हैं, कोई बोलता है यहाँ का 50 है तुम 60 ले रहे हैं, वो बोलता है नहीं 40 है तुम 50 ले रहे हैं। लड़ते हैं? हाथापाई करते हैं? बहुत करते हैं भाई, कभी कभी चांटे वंटे कराए? हाँ बहुत बहुत दबा। तुम कहाँ रहने वाले, कहाँ के हो? मैं पिशावर के पी के का। फिर तुम तो और गुस्से में आए होगे? नहीं, हम नहीं करते, हमारा तो रोजी रोटी है। अच्छा, ना ना खुद तो ये जो बस के चलाता है, इसको कोई स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है? ये बस ऐसे ही कनेक्ट्री कर करके सीखते हैं, अभी हमने भी सीखा हुआ, शुक्र है ड्राइवर है हमारे पास भी लाइसेंस है। अच्छा, हाँ कोई गाड़ी हमें मिल जाए हम चला ले। अभी बस, अच्छा वो आगे का सेक्शन लेडीज का है, कभी ऐसा होता है कि लेडीज यहाँ आ गई, मर्द वहाँ चले गए? नहीं, लेडीज वहाँ से यहाँ आ सकती है, मर्द वहाँ नहीं बैठ सकते। क्यों? उस पे चालान होता है, वो लेडीज का जगह है। और लेडीज जो मर्द की जगह पे आ रही है, ये तो भाई मजबूरी है, जगह नहीं हुआ तो उसकी गोद में बच्चा होता है, फिर बिठाना पड़ता है उसको। तो जो लोग आते हैं उनको क्या पैगाम देना चाहोगे कि क्या सबरते रहे, क्या करे? जो लोग बैठते हैं आके उनको क्या बोलना चाहोगे? यार लोगों ने बैठना ही छोड़ दिया भाई, कोई बैठ ही नहीं है, तो जो बैठे हुए टावर से आप कम हो गए? कम बिल्कुल खत्म हो गए। वजह क्या है? अब ये हम लोगों को 2025 तक टाइम दिए, 2025 के बाद हमारा परमिट फिटनेस कैंसिल है, खत्म खत्म है। 2025 ये बसें कहाँ जाएंगी? फिर ये कबाड़ में जाएगी, काट के भेजेंगे इसको। 2025 के बाद बसें नहीं होंगी? बसें होंगी लेकिन हमारे को कागज नहीं देगा, परमिट फिटनेस नहीं देगा, बस सार्जेंट नहीं छोड़ेगा। फिर क्या सोचा, क्या करोगे? फिर यही सरकारी गाड़ियों में ड्यूटी करेंगे, कागज लाइसेंस है अपने पास, लाइसेंस मांगेंगे, वो हम लोग ही चलाएंगे, कौन चलाएगा? वो चाइना से तो ड्राइवर नहीं बुलाएंगे, पाकिस्तानी चलाएंगे भाई। तबीयत ठीक है आपकी? हाँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी ठीक नहीं है, मेरा गला बंद हुआ है। अल्लाह ठीक करेगा, आमीन। ये बस के बारे में बताए, कब से सफर कर रहे हैं? बस में कभी कभी करते हैं सफर। क्या भी लगती है बस? सही है बस, जो भी है कराची के हालात के मुताबिक सही है। कहाँ कहाँ से कहाँ अभी कहाँ जा रहे? अभी मैं लालू खेत जा रहा हूँ। लालू खेत जा रहे? अभी कितने अर्से सफर कर रहे हैं बस में? हाँ कितने अर्से से बस में सफर कर रहे हैं? 60 साल से। 60 साल? हाँ। इसी बस में? इसमें नहीं, उधर दूसरी बस भी है। अच्छा, तो क्या क्या इस बस में कमी बेशी क्या लगती है? कमी बेशी क्या है, बस जो ऐसा है सही है।
सही है जी ऐसा। कैसे अंकल जी, ठीक ठाक हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है। कब से सफर कर रहे हैं बसों के अंदर? जब से आए कराची से कर रहे हैं। बचपन से? बचपन से अब तक का जो सफर है बस का, आपका कैसा रहा? पहले कैसी थी, अब कैसी है, कैसा लगता है? बस होती है, मैं क्या बताएं कैसा लगता है सब। अच्छा, और आजकल जो गवर्नमेंट ने बसें स्टार्ट की है, ग्रीन लाइन, रेड लाइन, ये बस है, इसमें सफर किया आपने भी? नहीं, अभी नहीं किया। क्यों, ये पसंद है? हमारे रोड पे नहीं है। अच्छा, मैं जिस रूट से आता हूँ उसमें नहीं है अभी। और अगर उस रूट पे चल गई तो ये छोड़ देंगे आप? देखेंगे जैसे हालात होंगे वैसे करेंगे। अच्छा, एक टाइम था इन बसों के अंदर गाने चलते थे, पाकिस्तानी, इंडियन पुराने। अब नहीं चल रहे। अब नहीं चल रहे, दुख होता होगा? नहीं नहीं, क्या वक्त होता है, चलता था, चल गया था, अब नहीं चल रहा, कोई बात नहीं। अच्छा, तो आप जब बैठे थे फर्स्ट टाइम बस के अंदर, तब कितना किराया था? बहुत कम था। बहुत कम था, 2 रुपए, 1.5 रुपए। अच्छा जी, 75-76 के बाद है ये। 1975-74 के बाद है ये। मेरी आवाज भी पुरानी बस जैसी हो गई है वैसे। अब हम पुरानी अपनी कॉलेज यूनिवर्सिटी की लाइफ को आज जी रहे हैं फिर से। उतर रहे और उतर गए, अब हम नोट चेंज आ जाओ। भाईजान, ठीक ठाक हैं आप? अल्लाह का शुक्र है सर, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। ये सफर जो है बस का कैसा लगता है आपको? जी सही लग रहा है सफर। सही लगता है। कब से सफर कर रहे हैं इसमें? हम कर रहे हैं तकरीबन 10-15 साल से। 10-15 साल से? जी जी। अभी भी बस के अंदर जो पुराने गाने चलते हैं, इसका मजा अलग ही आता है। जी जी, आप इस बारे में क्या कहेंगे? बस गाने चलते, हम तो खैर सुनते नहीं है, बस एक अपना अलग है जो सुनते हैं। तो हम टावर जा रहे हैं सर। टावर जा रहे हैं आप? तो पहले जो आपने स्टार्ट किया था सफर, तब टावर का किराया कितना था? उस वक्त 2 रुपए था। 2 रुपए था? और आज? आज 70 रुपए। 70 रुपए था। लेकिन टावर और दूसरे रूट पे और बसें भी चल रही हैं जो एसी वाली हैं, गवर्नमेंट की बसें, उसमें सफर क्यों नहीं कर रहे तकरीबन लोग? उसमें भीड़ बहुत होती है, जगह सही तरीके से बैठने के लिए मिलती नहीं है। लेकिन पहले इन बसों में भी जगह नहीं होती थी, अब ये खाली होती है, इसकी वजह क्या है? जी जी, इसकी वजह ये है कि उन बसों में काफी रश होता है, आप चिंगची भी चल रहे हैं। अच्छा, इस वजह से भी बहुत असर पड़ा सर इससे। तो ये बताएं कि इस बस के अलावा और कौन कौन सी बसेस का सफर आप करते हैं? W11 में, 1D में, 2D भी चलती थी पहले टावर तक। अच्छा जी जी, किमाड़ी भी बहुत सफर किया है, पूरी कराची में ही किया है। बसों को इतना सजाने की वजह क्या है? बसों को आजकल तो खैर इतना नहीं सजा रहे, पहले सजाते थे। पहले सजा रहे थे आप? जब इनका टाइम होता था, अब इनका वो वाला टाइम नहीं है। दुल्हन बनती थी पहले ये बसें? जी जी बिल्कुल ऐसे ही। चलिए जी, शुक्रिया। कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक। कहाँ से कहाँ तक सफर चल रहा है? मेरा तकरीबन अल आसिफ से और जिन्ना तक सफर चल। रोज रोज? जी बिल्कुल। थोड़ा माइक करीब कर ले। रोजाना आउटब्रेक करते हैं? रोजाना जी बिल्कुल। कितना किराया? 70 रुपए, मतलब 100 रुपए में जाती हूँ और वापस में आते हुए 200 लग जाते हैं। क्या नाम है आपका? मुस्कान है? मुस्कान। मुस्कान जी। अच्छा मुस्कान, इस बस पे सफर करने की क्या वजह है? सफर करने की ये वजह है कि मतलब कि मैं जॉब करती हूँ जिना के अंदर। कहाँ पे? जिना में जॉब करती हूँ। अच्छा? लेबोरेटरी के अंदर। जी हाँ। अच्छा? एजुकेटेड हूँ, मैंने बीकॉम किया हुआ है। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह। जी हाँ। तो इस बस में सफर करने में कोई मुश्किलात पेश आती हैं? नहीं नहीं, कोई मुश्किलात पेश नहीं आती, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सही सफर जाता है। पर मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके ऊपर हुटिंग करते हैं, आपके लिए गलत बोलते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं। पर मैंने तो ये सोचा लाइफ में सबको इग्नोर करके बस आप आगे बढ़े। और तंग करते हैं लोग? जी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तंग करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मोहब्बत से, इखलाक से बात भी। अच्छा? करते हैं। जी हाँ बिल्कुल। तो कैसे कैसे हैंडल करती हैं फिर उनको, कैसे मैनेज करती हैं? नहीं, अगर मुझसे कोई बदतमीजी करता है या उल्टा सीधा मतलब बोलता है तो मैं आपको इग्नोर कर देती हूँ। इग्नोर कर देती हैं? जी जी इग्नोर कर देती। तो ये तो बड़ा पन है आपका। जी हाँ, क्योंकि इग्नोर करना ही अच्छी बात होती है। एक इंसान गलत हो तो हम भी गलत बन जाए तो अच्छी बात नहीं है ना। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है आपकी। तो आप ये इस बस में जाने की रीजन क्या है? उस रूट पे दूसरी बस नहीं है? नहीं नहीं, ये बस सही है। सही है जी हाँ। खुली हवा? खुली हवा, खुली फिजा। खुली हवा, खुली फिजा। तो लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगी, जो लाखों लोग आपको देख रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी? आपके जो आपके साथ डेली सफर करते हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं सबको यही मैसेज देना चाहूंगी कि खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। अपनी दुआओं में याद रखें आप हमें भी, और अपनी दुआओं में हमें भी याद रखें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
भाई ये हमारी वीडियो थी जो होके हमने 4L बस की बनाई है। 2025 में इसका लाइसेंस खत्म हो जाएगा। जिसने भी इस बस में सफर किया है अपनी जिंदगी में, ये एक समझ ले कि हमारी बचपन की यादें हैं, हमारे बचपन का एक उन लोगों का ट्रिब्यूट है जिन्होंने इसके अंदर सफर किया है, जो इसमें कंडक्टर रहे हैं, जो इस बस के ड्राइवर रहे हैं। बोलने में बहुत मुश्किल हो रही है मुझे पिछले 2 दिन से, लेकिन बस आप लोगों की मोहब्बत में वीडियो बना रहा हूँ। आप लोग दुआ कीजिएगा कि जल्दी ठीक हो जाऊं और दोबारा उसी रवानगी से अल्लाह हम पे करम करे, हम पे आसानी करे, हमारी हिफाजत करे और मजीद चीजें हमारे मुल्क में बेहतर हों और हम इसी तरह से आप लोगों को अच्छी अच्छी वीडियो, अच्छा अच्छा कंटेंट, क्योंकि मैंने देखा कि आज तक किसी ने इस टॉपिक पर वीडियो नहीं बनाई थी, क्योंकि हम इन बसेस को देखना चाहते हैं, जो मुल्क से बाहर हैं लोग वो इन बसेस को देखना चाहते हैं। तो आज उन लोगों के लिए या जिन लोगों ने बचपन में इस बस में सफर किया है, मैंने बहुत किया है, तो आज दिल था कि इस बस में दोबारा सफर करें, आप लोगों की यादों को भी ताजा करें और अपनी मेमोरी को भी रिकॉल करें। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा, मैंने ठंडा भी लिया था जिसकी वजह से गला मेरा खराब हो गया है, तो इंशाल्लाह एक दो रोज में ठीक हो जाएगा। आप लोगों की दुआओं की बहुत जरूरत है, आप लोगों के प्यार का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए जी, अल्लाह हाफिज़।